इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से शानदार प्रदर्शन करने के कारण ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए भारत की टी20 में चुने गए रहस्यमय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने इसे सपना सच होने जैसा एहसास करार दिया है। इस 29 वर्षीय खिलाड़ी ने 2018 के बाद अपने स्पिन को गंभीरता से लेना शुरू किया। वरुण ने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय टीम में सिलेक्ट होने की उम्मीद नहीं थी। केवल 12 टी20 और अब तक सिर्फ एक ही फर्स्ट कैटेगरी मैच खेलने वाले इस मिस्ट्री स्पिनर ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मैच के बाद बीसीसीआई टीवी से कहा, मैच के बाद मुझे मेरे चयन के बारे में पता चला। मैं लगातार उसी शब्द का उपयोग करूंगा कि यह मेरे सपने के सच होने जैसा एहसास है। बीते सीजन किंग्स 11 पंजाब के लिए असफल सीजन के बाद 2020 में केकेआर के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे स्वप्निल की माने तो उनका लक्ष्य टीम की तरफ से नियमित तौर पर खेलना, अच्छा खेलना और जीत में योगदान देना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत की तरफ से वे ऐसा करने में कामयाब होंगे। वरुण चक्रवर्ती ने कहा, मैं सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं हूं और मैं चयनकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मेरे पास वास्तव में इसे बयां करने के लिए शब्द नहीं है। मैंने 2018 में स्पिन गेंदबाजी शुरू की थी और तब मुझे तमिलनाडु प्रीमियर लीग में चुना गया। पिछला वर्ष उतार चढ़ाव वाला रहा, मुझे ज्यादा मौके नहीं मिले और मैं चोटिल भी हो गया था। ईश्वर की कृपा है कि मैं इस वर्ष वापसी करने में सफल रहा। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए और IPL की पल पल की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। न्यूज और क्रिकेट का एक्सक्लूसिव डोज हर रोज, अभी सब्सक्राइब करिए TV9 भारतवर्ष का यूट्यूब चैनल। लॉग ऑन करें IPL2020.tv9bharatvarsh.com पर। जवाब दीजिए आसान से सवालों का और जीतिए ढेर सारे इनाम हर रोज। पैनासोनिक इंडिया खास बासमती राइस और पी सेफ के गिफ्ट हैम्पर्स।